हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान की जो टीचर्स की वैकेंसी आई है आरपीएससी के थ्रू सेकंड ग्रेड की यानी कि सीनियर टीचर की, उसके लिए मैं आप लोगों की क्लासेज आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और प्लीज़ जो लोग एस पी बख्शी की बुक जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, दुखी मत होइए, मैं बिल्कुल जो है उसे भी करवाऊंगी साथ, क्योंकि इस ग्रामर का पार्ट इसी के साथ लूंगी। तो आरपीएससी का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट है, लेट्स स्टार्ट आरपीएससी टीजीटी इंग्लिश फोनेटिक्स डे वन फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर, फ्री क्लासेस मींस फ्री क्लासेस, ये पेड में नहीं चल रही हैं जी, फ्री क्लासेस है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में, हाँ जी, अपने पेड बैच का जरूर करूंगी। यूपी टीजीटी इंग्लिश का पेड बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। दोज हु विश टू टेक एडमिशन इन इट, मेक अ कॉल ऑन 7895937338। चलिए बस अब ऐड हो गया हमारा। अब जरा मैं आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता दूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगी, आप ये देखिएगा, ये एक चार्ट है, ये जो चार्ट है ये फोनेटिक सिंबल्स का चार्ट है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, देखिए, वॉल्स जो होते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के में जो साउंड सिस्टम होता है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि फनीम्स क्या होते हैं। फनीम्स का मतलब होता है साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फनीम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज नोन एज फनीम्स। साउंड पर जो आधारित सिंबल्स होते हैं इन्हें फोनेटिक सिंबल्स कहा जाता है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 20 वॉवल्स और 24 कॉन्सनेंट्स होते हैं, 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सनेंट्स, और इसमें भी 12 जो होते हैं वो प्योर वॉवल्स होते हैं और जो 8 होते हैं वो डिप्थोंग्स होते हैं, डिप्थोंग्स होते हैं। अब प्योर वॉवल्स और डिप्थोंग्स का क्या मतलब, अब 20 जो 20 वॉवल्स हैं, 24 कॉन्सनेंट्स हैं, 12 वॉवल्स का मतलब हो गया, प्योर वॉवल्स का मतलब होता है सिंगल साउंड, और डिप्थोंग्स का मतलब है टू वॉवल साउंड, यानी कि दो वॉवल की साउंड एक साथ आती है, उसे डिप्थोंग्स कहा जाता है। 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, 24 कॉन्सोनेंट्स। आज मैं आपको उनके सिंबल्स बताऊंगी और उनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। तो फिनीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ये यूनिट ऑफ यूनिट लिख दिया, देख रहा दिमाग चल गया मेरा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, 20 वॉल्स प्योर वॉल्स, 12 प्योर और 8 जो होते हैं डिप्थोंग्स। अब ये वॉल्स के इनके जो सिंबल्स होते हैं मैं आपको बाकायदा सिंबल्स जो हैं वो बताऊंगी। अब यहाँ देखिए, ये आया यहाँ पर, आप यहाँ देखिए, ये मोनोथोंग्स जो है वो लिखा हुआ है, मोनोथोंग्स लिखा हुआ है, मोनोथोंग्स का मतलब होता है सिंगल साउंड। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं सिंबल से आपको बताना शुरू करूँ, ये सिंबल जो है हमारा यहाँ पर, ये सिंबल्स देखिए, ये आई का सिंबल है, ये बड़ी जो है आई का सिंबल है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं बड़ी आई का सिंबल है, यानी कि आप यहाँ पे बोले टीथ, तो टीथ में आपका जो ये जो सिंबल है ये है, ये टीथ, ये प्योर है, एक ही साउंड आ रहा है टीथ, तो उसमें आई ये जो सिंबल है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, अभी मैं आपको सिंबल लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर भाई बड़ा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से है। यहाँ पर आप ये देखिए, और यहाँ पर ये आता है, ये छोटी आई का सिंबल है, तो जैसे है सिंक, तो सिंक में खोज के करेंगे तो ये छोटा आई है, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं शूज, तो शूज में जो है बूट, बूट डबल ओ बूट, तो ये जो है बड़ा ऊ, ये बड़ी ई, ये छोटी ई, बड़ा ऊ, शूज ऊ, बड़ा ऊ ही है। लेकिन अगर आप बोलते हैं यहां पर गुड, माय गुड नहीं है, दैट्स गुड, तो इसका सिंबल है आपका छोटा ऊ, दैट्स गुड, ये छोटा ऊ का सिंबल है। उसके बाद आप लीजिए बेड, ए,
बेड, ए का सिंबल है बेड, ठीक है जी। अब आप यहां पर टीचर बेड है, बेड ए ओ, ए और अ, देखिए यहां पर ये सारे जो हैं ये आ रहे हैं। अगर आप बुक बोलते हैं तो बुक का सिंबल है ये, अगर आप बेड बोल रहे हैं तो ये ए है, ये ई का सिंबल नहीं है, ये ए है, ए। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें, ये देखिए 12 वॉल्स को मैं लूँगी, टीचर, तो टीचर में आप बोल रहे हैं टीचर, अ, माना दोनों के ये यहाँ पे ई लगा है, अ का सिंबल है ये, तो ये सिंबल है इसका अ, इसे बोलेंगे अ, टीचर। अगर फादर, अगर आप बोलते हैं फादर, अ, ये सिंबल है अ का, ठीक है जी। तो ये वो आपके 1, 2, 3, क्योंकि ये एक से ही है, 4, 5 and 6, भाई 12 लेने हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसके बाद ये आया बर्ड, ये भी है अ, ब, आ, जब आई और आर बीच में आते हैं तो जब कभी भी कोई वॉल के साथ आर आ जाता है तो वो अ बन जाता है, बर्ड। बर्ड नहीं बोलते, दैट्स बर्ड, नॉट, दैट्स बर्ड, उसमें से र जो है वो हट जाता है, दैट्स बिकम्स बर्ड। ये भी अ का सिंबल है, अगर किसी वॉल के साथ र बीच में आ रहा है तो वो अ बन जाता है, दैट्स बर्ड, बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए, अब ये बर्ड, तो ये हमारा सिंबल है अ का, बर्ड। थर्ड, तो यहाँ पर अब ये ओ का सिंबल है, डो, डो, डो। अब ये देखिए ओ का सिंबल है, दैट्स डो। अब उसके बाद ये देखिए, ये डो का सिंबल है डो, क्योंकि ये डो डूअर नहीं है, दैट्स डो, र प्रोनाउंस नहीं करते। कैट, आ खाली ए बीच में आता है तो अ और ई, कैट, ये यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाता है, अ ई, अ ई मिल जाता है, दैट्स कैट। मैन, अगर आप कभी लिखेंगे, अगर बीच में खाली ए आ रहा है, दैट्स मैन, तो हम इसको बोलते हैं, ये सिंबल होता है अ ई, मैन, अ और ई का सिंबल होता है ये, तो ये अ ए, मैन। उसके बाद आप यहाँ पर ये देखिए, अप, ये कट की आवाज जब आती है, कट, कट, अप, तो ये जो है यहाँ पे कट, जीभ ऊपर लगी, अप, थोट लगे, तो यहाँ पर जो है ये सिंबल होता है, ये भी अ का ही सिंबल है, दैट्स फा, बड़ा मुंह खोला, आ, दैट्स फा। ऑन, ये जो है दैट्स ओ, वो बड़ा है ये छोटा, ऑन, दैट्स ऑन। अब ये हो गया, यहाँ पे ये हो गए आपके, दैट इज, ये हुए आपके 12 जो हैं ये वॉल्स के सिंबल्स हुए, ये 12 वॉल्स के सिंबल्स हैं। ये आपका बड़ी ई, शीप बोल के देखिएगा, शीप, आई का सिंबल ये, शिप, ट्रिप, ट्रिप छोटी आई, गुड, वुड, लुक, भले ही डबल ओ आ रहे हैं मगर साउंड जो है वो इसमें छोटे ऊ की आ रही है। अगर आप इसमें, अब बड़े उसमें जो है, अब आप उसमें देखिए, शूट, शूज, है ना, शूट, शूज, और जो भी जो है, और कोई जो डबल ओ का साउंड का जो है, डबल ओ नहीं, बड़े ऊ का साउंड आएगा, तो ये वूल। तो इसमें जो है, जब बोलिए, डबल ओ लगने से कुछ नहीं होगा, साउंड को प्रोनाउंस करना है तो डबल ओ, शूट, वूल, बेड, बीच में बेड, ए का साउंड आया, बेड। टीचर, टीचर, अ और र अगर लास्ट में आता है तो भी वो अ बन जाता है, टीचर। फादर, सिस्टर। बर्ड, अगर कोई भी वॉल साउंड बीच में आए तो अ बन जाता है, ऐसा वाला, बर्ड। डो, डो, दैट्स अ, डो। कैट, बीच में ए खाली आ रहा है, मैन, वुमन, तो यहाँ पर, लेकिन अगर वुमन, मैन, मैन बोलते मन नहीं होता, दैट्स मैन। वुमन, वुमन के साथ जो है अ लगा, मैन, मेन, एम ई एन, मेन, एन, मेन। दैट्स कैट, अप, कट, शट, तो उसमें खींच के जब आवाज लगाते हैं तो सिंबल आता है अ का, ये फा, 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 अ का साउंड, मुंह खुले, फा। ऑन, ऑन, तो ये जो है छोटे, ये हुए हमारे 12 प्योर वॉल्स। अब डिप्थोंग्स लीजिए, डिप्थोंग्स का मतलब होता है जब दो वॉल साउंड्स इकट्ठे आते हैं, ई आ, ई आ, जैसे ए, ई आ, हे आ, हे आ, हे आ, या ही, इसको बोलते हैं हे, या ही आ,
हियर, कम हियर, तो अब इस ई आ का साउंड है, अगर कहीं पर भी ई आ का साउंड आ रहा है साथ में, तो जहां दो वॉल साउंड्स एक साथ आते हैं, वॉल्स एक ही गिने जाते हैं मगर जब दो वॉल साउंड्स एक साथ आते हैं तो उन्हें डिप्थोंग्स कहा जाता है. वेट, वेट अ ई, वेट. टूरिस्ट, ये टूरिस्ट बोलते हैं भाई बहुत से लोग. उआ, टूरिस्ट, टूरिस्ट. ऑरेंज, टूरिस्ट. बॉय, बॉय, बॉय नहीं होता, दैट्स बॉय. ओ बोलते हैं तो वो ओई, बॉय. शो, ओ और डब्ल्यू साथ में आएगा, शो. हेयर, हेयर, ए अ एक साथ, ए अ हेयर. माई, आ ई एक साथ. काऊ, आऊ, काऊ, जब दो वॉल्स का साउंड एक साथ आता है. अब आप यहां देखिए, ये तो हुए हमारे वॉल्स, 20 वॉल्स के सिंबल्स हो गए. ये सिंबल्स हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के सिंबल्स हैं. इन सिंबल्स को आपको देखना होता है. अब देखिए, पी, पी का सिंबल पी ही है, ये स्मॉल पी है. बोट का बी, टी का टी, डी का डी है, ये चीज़ का सिंबल है. ये इस तरीके से सिंबल हम लोग बनाते हैं. ये जो है च का सिंबल है. जैसे अगर हमने बोला चर्च लिखना है तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसे लिखते हैं. तो ये देखिए, ये च का सिंबल है. ये देखने में लग रहा है ये च है, तो ये बोला जैसे हमने चर्च. अब आप खुद देखिए, चर्च लिखना है तो च के लिए हम यहां पर ये लिखेंगे च, और यू आर नहीं है, चर्च. और फिर आ गया चर्च, च. अब ये जो है, अब इसमें यहां पर भी ये, क्योंकि एक सिंबल ये इस तरह चर्च, ये ऐसे या ऐसे करके बनाए थे चर्च. ये च का सिंबल हुआ, ये ज का सिंबल है, ज, ज का सिंबल है, ज, जून, जून, ज का सिंबल है. ये जो डी जेड से लग रहा है, ये जो है ये ज का सिंबल है, दैट्स ज. ठीक है, जून, जुलाई. आप जुलाई लिखेंगे ऐसे, जुलाई. का, के सिंबल, गो, गो. फ, व, ये एक थ का, जो कुछ अलग है वो मैं आपको बता रही हूँ. थ का सिंबल है ये, दैट्स थ. और द का सिंबल है ये, देखिए द का सिंबल है ये, दैट्स द. ये द का सिंबल है दिस, दिस. एस सी यू श, ये श का सिंबल है, ये है श का सिंबल, दैट श, श्व, श्व, श का सिंबल है ये. एंड नाउ ये है ज, टेलीविजन. ये ज, ये ज है, ज, जब जहां पर नीचे जो है वो लगता है तो ये है ज का सिंबल, ज. जब ये नीचे जो है इसमें बिंदी लग जाती है, ज. टेलीविजन, मैन का यही है. और ये होता है इंग, ये यहां पर ये देखिए सिंग. तो सिंग जो है ये यहां पर ये आई एन जी का है, ये एन जी का, अंगा का सिंगल सिंबल है, बाकी सेम ही है. और वाई के लिए ये, ये के लिए जो है, अब आप यहां देखिए जो मैं अलग अलग है वही बता रही हूं. जो यहां ये है ये य के लिए है, और ये जो है, ये जो है ये अंगा की बिंदी के लिए, अंगा. तो अब आप ये देखिए कि ये हमारे कुछ अलग जो हैं वो सिंबल्स हैं. ये चार्ट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, ये चार्ट आपको आसानी से जो है ये बिल्कुल साइट पर मिल जाएगा. ये समझाने के लिए मैंने बताया कि इनको किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे करना है, तो आप इसे देख सकते हैं. अब आप खाली यहाँ पर ये देखिए कि अगर मुझे लिखना है माए, तो मैं माई लिखूँगी ऐसे, क्योंकि ये माई है, और आई, माई लिखा जाएगा इस तरीके से. अगर मैंने जो लिखना है का, तो ए और आ साथ में आ गया, का, मुँह खुल गया, तो ये हो गया का. लास्ट वाला र जब वॉल के साथ आए तो वो प्रोनाउंस जो है वो नहीं होता. तो अभी मैं अब आपको इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो दिखाती हूं. अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो देखिए आप, ये हमने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके अलग बना रखे हैं. तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोग देखिए इसका. अब मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को बता रही हूं. देखिए, पहला जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो ये है, फोनेटिक्स. अब जैसे देखिए आपको यहाँ पर ये देखिए, ये सिंबल जो है वो धीरे धीरे करके सिंबल सीखिए. र, राइट, ड, ये ड का है. अब मैंने अभी थोड़े के सिंबल्स लिख भी रखे हैं, तो
तो अब आप यहां से देख सकते हैं, देखिए इसमें ये इनमें ड नहीं होता, द होता है, तो राधा, तो राधा। अब ये देखिए द का सिंबल है यहां पर, ये देखिए र द राधा। और जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट का जो आ है, तो इसमें से आपको सही फिनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ढूंढनी है। तो ये रेडा है या राधा है ये आपको देखना है। ये रेडा, अगर रेडा होता तो इसे क्या प्रनाउंस, रोड नहीं है, राधा, दैट्स राधा। या यहाँ पर ये राडार है या राधा है ये आपको देखना है। देखिए वैसे तो डी का हो जाता, यहाँ पर दैट्स रा राधा, रा द, तो ये द है, तो आप इसमें ये राध, तो अब आप इसमें देखिए कि कौन सा सिंबल है। अब ये इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि राडार है ये राधा या जो है ये राधा है, इसमें कन्फ्यूज़न जो है वो हो जाए, क्योंकि इस तरीके के फोनेटिक सिंबल में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये क्या चीज़ है। तो अब आप एक बार जो है वो यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक फोनेटिक सिंबल्स को हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे। ये भाई ये रेडर और ये तो जो है रोड तो हमें पता ये नहीं है, लेकिन राडा या राधा दोनों में से कौन सा है, ये राधा, तो ये आपको चीज़ बतानी है। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि भाई हम ये लगाएं कि ये होगा कि ये होगा। अब आप इसको सिंपल से सोचिए, ये जो सिंबल है ये हमारा द का सिंबल है, द हमारा इसमें हो रहा है। वैसे जो इसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन है वो राधा है, ये है इसका करेक्ट ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ये होगा राधा। तो ये इन्होंने बीच में राय द, क्योंकि दो तरीके के, एक ब्रिटिश होता है और एक अमेरिकन होता है, तो ये द करेक्ट आंसर इज राधा, क्योंकि द का सिंबल इसमें आ रहा है, द का सिंबल ये टी एच द, तो द का सिंबल हमारा इसमें आ रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राधा। ठीक है, बोल के ही करा जाएगा, ये ऐसे नहीं करा जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ड गराज। तो ये देखिए इसको कैसे, दैट्स, अब आप इसमें यहां से देखें, गुराज, गैरिज, जो भी आप बोलेंगे, गिराज, दैट्स इसका प्रोनंसिएशन, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यहां पर प्रोनंसिएशन बहुत मन, that's garage, तो यहाँ है that's garage। अब इसमें जो है, अब इनको अलग अलग ये देखिए, garage, गिराज, गुराज, तो अब आप यहाँ पर ही देखिए इसको प्रोनंसिएशन है that's garage, garage, तो यहाँ है ये जो बीच में आता है तो garage, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन होगा that is garage, आ मुंह खुलेगा that's garage। तो भाई जो है ये गैराज, गराज, ये जो है इसमें आपको प्रोनंसिएशन पे डिपेंड करता है, तो दैट्स गैराज, गैराज, तो यहाँ पर दैट्स प्रोनंसिएशन पे बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं आपकी, तभी आप इसे ठीक कर सकते हैं। नाउ चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है किस चीज का, मैं आपके साथ ही करती हूँ। आर स्टैंड्स फॉर आर, आई, 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 राइस, तो ये वैसे तो रिक हो गया, अब आप खुद देखिए ये किसका है, दैट्स राइस। अगर आप यहां पर कहेंगे कि ये भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन है राइज, तो ये होता है राइज, ये इसको ये कहेंगे राइज, दैट्स राइज, रेज, दैट्स रेज, रिस्क, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो हर एक का प्रोनंसिएशन अलग होता है, तो ये देखिए दैट्स राइस, तो इसका प्रोनंसिएशन ये जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है दैट्स राइस। एक बार आपको सिंबल्स याद करने होंगे और प्रोनंसिएशन पे मेहनत करनी होगी, सारी चीज हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड वाटर, दैट्स वाटर, इसको ये ऐसे लिखते हैं वाटर, वाटर, तो यहां पर आप खुद देखिए जो मैंने हिंदी में लिखा उसे क्या है, दैट्स वाटर, वा वॉटर, आर साइलेंट होता है, आर नहीं बोलते, ये चीज छिपी रहती है, दैट्स वॉटर, वॉटर, तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज थ्री, दैट इज वॉटर। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड होल, अब यहां पर हम लोग जो हिंदी में भी लिखेंगे तो वो इसे ये लिख देंगे, ये जो प्रोनाउंस करते हैं ये इस तरीके से होता है, अ उ, ओ में छिपा रहता है होल्ड, इसको बोलते हैं ये ओ की मात्रा में अ उ छिपा रहता है, दैट्स होल्ड, होल्ड,
तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ इसका करेक्ट है होल्ड, ओ की मात्रा में अ उ छिपा रहता है, होल्ड, तो दैट इज होल्ड। अगर ऐसे बोलेंगे होल्ड, अधिकतर लोग इसी पे ही लगाएंगे, तो ये जो है ओ की मात्रा, अगर आप ओ बोल रहे हैं तो उसमें अ और उ आता है, तो होल्ड। जैसे ऑरेंज बोलते हैं तो वो ऑरेंज नहीं होता, ओ को अ उ बोला जाता है, ऑरेंज, दैट्स ऑरेंज। धीरे थोड़े थोड़े प्रैक्टिस से आता है, तो दैट्स होल्ड। मेरे साथ साथ लगा के ये देखिएगा कितना आपका ठीक बैठ रहा है। द नंबर ऑफ वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, ये अभी मैंने आपको बताया था, 20 वॉल्स जिसमें से 12 प्योर एंड 8 डिप्थोंग्स, और जो है 24 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो जो सही जवाब है दैट इज 4, 2024। द नंबर ऑफ वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय 20 वॉल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जैम, अगर बीच में ए आ रहा है तो वो ए और ई ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है ए, जैम, कैट, मैन, जब बीच में अकेला ए आता है, तो दैट्स द, ये जो इसका करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा वो, एक मिनट रुक जाइए, ज का सिंबल जो है वो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो आप, मैंने भी बिना सोचे समझे जो है वो लगा दिया इसमें कि क्या जो है होगा, तो अब आप इसमें करेक्ट सिंबल देखिए, जैम का जो है वो सिंबल होगा क्या, ज। अब आप यहां ये देखिए कि ये जो सिंबल है ये था हमारा ज, जून वाला जे का सिंबल था जैम, तो इसका आंसर है ये, तो इसमें सिंबल से एक बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सिंबल था ये य का सिंबल था, यस, तो ये जो सिंबल है ये य का सिंबल है, तो ये यैम हो जाएगा, दैट्स नॉट जैम, तो ये है यहां पर होगा जैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड ऑफ द वर्ड विजन इज। अब ये कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है उसे हम ऐसे बोलते हैं, वी ज न, ये हम इस तरीके से बोलते हैं, हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो हम विजन ये ऐसे ही लिखेंगे विजन, लेकिन ये अ हम इंग्लिश में जरूर बोलेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, ये ज का जो है ये हमारा सिंबल है, दैट्स वे, बीच में अ नहीं आना चाहिए, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि वी ज न, ये गलत हो जाएगा, साउंड आ का और विजन, दैट्स विजन, तो इसका सिंबल यहां पर आएगा, दैट्स विजन, ये होगा आपका इसका सही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, दैट्स विजन। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड लीव, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो लीव है इसमें ये ई आ रहा है, मगर जो साउंड है वो बड़ी ई का है, लीव, तो अब आप यहां पर देखिए लीव, ये लिव नहीं है, दैट्स लीव, ली, अगर इसे करेंगे तो लियाव हो जाएगा, लीव ये नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन ही है, तो ये यहां पर ये देखिए, अच्छा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने भी देखे बिना देखे कर दिया, ये लिवी हो जाएगा, अगर मैं इसको करूं तो ये लिवी हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन है दैट्स लीव, क्योंकि जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस में करते हैं तो भले ही हम स्पेलिंग में ई लिखें लेकिन जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो साउंड होता है उसे ही लिखा जाता है, तो यहाँ देखिए लीव है, तो लीव का ये जो साउंड है वो ये हिंदी वाला है, तो यहाँ पर ये होगा लीव, बस इसके बाद ई ई नहीं आएगा, तो दैट द करेक्ट आंसर इज 4th नॉट 3rd। तो ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लीव। नाउ द नेक्स्ट वन इज पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बुक्स, बुक्स में भले ही डबल ओ आ रहा हो मगर छोटा ऊ है और ये है बुक्स, ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि किस में जो है, दैट्स बुक्स, बुक्स, ये अगर ये ऐसे ही लिख देंगे बुक्स, बुक्स क्या होता है, जो साउंड है वो क्या है, दैट्स बुक्स, तो वो ज का साउंड है या स का साउंड है, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि वो साउंड किसका है, दैट इज इट्स बुक्स, बुक्स छोटे हो का उसमें बुक्स नहीं, दैट्स बुक्स। तो ये हुआ आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे, अभी देख लेती हूँ और तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, दैट्स द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड ग्रेट इज, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट,
तो यहाँ पर ये ग्रेट नहीं, दैट्स ग्रेट भैया, यहाँ पर आपका जो है वो डिप्थोंग आ रहा है ग्रेट, तो ग्रेट दैट्स ग्रेट, ए बोल रहे हैं तो ए ई होता है ग्रेट, तो ये यहाँ पर आएगा दैट्स ग्रेट, तो द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज ग्रेट, ये आपका डिप्थोंग आया इसमें ए ई ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये कुछ चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताई हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये जो सिंबल है इसमें कौन सा सिंबल आपको कौन से वर्ड में ये सिंबल देखने को मिल रहा है, इसके अलावा जो विभिन्न तरीके के प्लोजिव्स फ्रिकेटिव्स ये सब होते हैं ये भी इनमें पूछे जाते हैं। जो आरपीएससी में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे काफी बल दिया जाता है, इसके 5-6-8 क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलते ही मिलते हैं। तो जो लोग राजस्थान के ही हैं और वो अपने उनके सिलेबस में वो ये लोग ये पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लोग अदर स्टेट्स के हैं और जिन्होंने फोनेटिक्स वगैरह नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ी सी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिक्कत दे देती है, तो इसीलिए मैं मेरा प्रयास है आप लोगों को ये सिखाने का। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आए। और एक चीज ये करिएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहले सबसे पहले जो आपका जो इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स का जो चार्ट है वो आप लोग जरूर जो है लिखिएगा अपनी कॉपी में, तभी आपको सिंबल जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप लोगों को याद होंगे, बाकी मैं तो आपको और चीजें जो है साथ में करवा ही रही हूँ।